अज रात माने अज करके सेब सुटिया नाले अखां विचों हंजू ने नाले कहंदी ए मौला लाज रख ली इंज करके मां ने सेब सुटिया रब्बे कायनात दी निगाह मुशाहदा फरमा रही है अल्लाह करीम ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया छेती जा या लकी करना वे फरमाया जाके सेब दे दो टोटे कर दे एक हसन दी तख्ती ते सुट दे दूजा हुसैन दी ते सुट दे तख्ती से सुट दे दूजा दूजा फिर अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल वरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा आका इमाम हसन आका इमाम हुसैन नन्नी जी उम्र दोवें शहजादे अपने नाना जान दे कोल आए दोवां ने तख्तियां लिखियां नाना जी ए वेखो हम भाई हसन दी लिखाई सोहनी है कि मेरी सोहनी है मैं सदके जावा वेखूं जरा कि लिखाई सुनी है अच्छा मेरे हजूर ने ना निगाह नबूवत नाल वेख्या मेरे हजूर फरमाया जे मैं कह दिता हसन की लिखाई सुनी है तो हुसैन का दिल टुट जाना जे मैं कह दिता हुसैन की सुनी है तो हसन का दिल टुट जाना हजूर फरमाते शहजादे हो तुसीं इंज करो ए फैसला ना अपने बाबा अली कोल करवा लो किहदे कोल करवा लो अली कोल करवा लो दोवें शहजादे चलते चलते मौला अली पाक कोल आए बाबा जी वेखो सा मेरी तख्ती सुनी है या भाई हुसैन दी सुनी है मौला अली पाक ने वलायत दी निगाह नाल वेख्या आख्या जी मैं कहता हसन दी सुनी है ते हुसैन दा दिल टुटना जे मैं कहता हुसैन दी सुनी है ते हुसैन दा दिल टुट जाना आख्या पुत्र मैं नहीं फैसला करता जाओ मां कोलों करवा लो आए हाय उची आखो यार सुभान अल्लाह हजरत नी वकार तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका दे दीवाने हो हजरत दोवें शहजादे नाना कोल आए नाना जी देखो मेरी तख्ती सोनी है या भाई हुसैन दी सोनी है नाना जान ने सोचिया अगर मैं कह दिता हसन दी सोनी है ते हुसैन दा दिल टुट जाना है अगर मैं कह दिता हुसैन दी सोनी है ते हसन दा दिल टुट जाना फरमाया बेटा जाओ अपने बाबा को फैसला करा लो दोवें शहजादे चलदियां चलदियां बाबे को आ गए बाबा जी फैसला करो मेरी तख्ती सोनी है या भाई हुसैन दी सोनी है अली पाक भी दिल विच सोचिया जे मैं कह दिता हसन दी सोनी है ते हुसैन दा दिल टुटना है जे मैं कह दिता हुसैन दी तख्ती सोनी है ते हसन दा दिल टुट जाना है अली पाक ने फरमाया बेटा जाओ अपनी मां को फैसला करवा लो हजरात नौवे दोवें शहजादे फरामा फरामा टुरदियां अपनी मां दे कोल आए अम्मा जी नाना जी कोल गए नाना जी फरमांदे बाबे को चले जाओ बाबा जी कोल गए बाबा जी फरमांदे मां को चले जाओ अम्मा जी असी अगे कोई नहीं जाना सानू दसो मेरी तख्ती सोनी है या भाई हुसैन दी सोनी है हजरात मावां नू अपने पुत्र बड़े प्यारे होंदे ने मावां नू अपने पुत्रां नाल बड़ा प्यार होंदा है मां ने भी सोचिया अगर मैं कह दिता हसन दी सोनी है हुसैन दा दिल टुटना है अगर मैं कह दिता हुसैन दी सोनी है ते हसन दा दिल टुट जाना है मां ने इंज करके आसमाना वल वेख्या ते वेख के कहंदी है बेटा मैं हुणे ही फैसला करनी आ मां उठ के अंदर गई है अंदरों जाके एक सेब लैके आई है ते सेब लिया के बैठ गई है मां कहंदी है शहजादियो मैं सेब सुटांगी जिदी तख्ती ते टिकेगा ओदी तख्ती सोनी होवेगी हजरात मां ने इंज करके सेब सुटिया नाले अखां विचों हंजू ने नाले कहंदी है मौला लाज रख ली इंज करके मां ने सेब सुटिया रब्बे कायनात दी निगाह मुशाहदा फरमा रही है अल्लाह करीम ने फरमाया जबरील
जलील जी रब जलील फरमाया छेती जा या लकी करना वे फरमाया जाके सेब दे दो टोटे कर दे एक हसन दी तख्ती ते सुट दे दूजा हुसैन दी ते सुट दे तख्ती से सुट दे दूजा दूजा फिर अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उलवरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा ये घराना वराउल ये घराना वराउल अच्छा आई कम इमाम हुसैन और आप दे रफका ने मैदान करबला दे अंदर किनिया कुर्बानियां दीती अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता औलादा कुर्बान कर दी सब कुछ कुर्बान करता असी उन्होंने जिक्र वास्ते अपनी जुबाना हिला के और अपनी आखरत वास्ते उन्होंने जिक्र भी नहीं कर सकते जिन्हें मेरे नाल बस मैं उन्होंने लोगों को दावत देनी है जिन्हें यह सोचना उन्होंने इनिया कुर्बानियां दीतियां असी झंडे बना के जेकर उन्होंने जिक्र करांगे तो साड़ी आखरत समझ आएगी बस उन्होंने लोगों नाल मेरी दावत है वो लोग हाथ चुकन एक मिनट वास्ते झंडे बना लैन अखा बंद करन और मैदान करबला का तसव्वुर करन और एक मिनट वास्ते मेरे नाल पढ़न हो सकता किसी अज नज़र हो जाए अज घर जाए अख लग जाए आका इमाम हुसैन की जियारत हो जाए तो मेरे आका लजपाल सीने नाल ला लैन और आखन साडे इत्थे नारे मारे नहीं कल क्यामत वाले दिन सी अपने नाने कलवाबे कोसर लेके दवांगे उचिया खो यार अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बाबा जी क्या बात है दिल करता मथा चूम लवा भाई अंडाले तुहाडी क्या बात है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना इन्हां दे जरा हाथ कैच करो इन्हां दे हाथ कैच करो ताकि जदों भी ये कल नूं यूट्यूब दे उत्ते मूवी वेखण इन्हां नूं पता लगे असीं गवाह बन के नबी दयाल दा जिक्र करदे रहे हां अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वाह वाह क्या बात है भाई तुहाडी क्या बात है दिल करदा मैं तुहाडा आके मत्था चूम लवां अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा मैं दुआ करना मेरे मौला आज जेड़ा जेड़ा मेरे नाल हथन लहरा के चंडे बना के तेरे नबी दी आल दा जिक्र पिया करता है आज कार जावे अख लग जाए नबी भी आ जाए अली भी आ अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उलवरा है इसमें हसनैन और फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा कई बंदे सोचते ने लो जी एक शेर बार बार तो मैं उन्होंने पता की कहना होना मैं कहना अज फजर पढ़ी है ना तो कल की पढ़नी है हाय 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 जे अज जोहर पढ़ी तो कल अच्छा फरिश्ते आंदे ने ना हिसाब लैन उन्हें ऐ नहीं कहना हाँ भाई भाई तुफैल अज फजर पढ़ी है तो कल भी फजर ही पढ़ी आ उन्हें ऐ नहीं कहना उन्हें बार की कहना तुफैल आया टिक कारी आशिक साहब आए ने जोर वाले आए ने जी टिक आई साहब आए ने हूँ आया नहीं अच्छा इतने एक और नुक्ता जे बंद कहते हैं असं नमाज पढ़ने ता नहीं जाते सानू आती नहीं मैं कहना भावें नहीं आती जाया करो भावें नहीं ना आती जाया करो जे रहन इमाम की नहीं लगी तो रहेगी थोड़ी भी नहीं भाई जी ए नोट ए देखो ए नोट है ना इन लगियां हूँ चार टेपा बिल्कुल निकम्मा होवे ना चलन दे काबिल होवे दुकानदार नखरे ना लैंदा होवे असीं भी दुकानदार हाँ तुसीं भी माशाल्लाह जानदे हो ऐ नोट ना चलदा होवे तां असीं बड़े सियाणे आ असीं पता की करने आ इहनूं दूजां नोटां दे विच पांदे आ
जे गल गलत फिर रखो यार असि की करने दूजिया नोटा दे रखनिया जिथे दूजे जाने रहना भी नहीं लगा तू आया कर पढ़िया कर भावे नहीं आती जे रह गई उन्होंने भी तो रहन तेरी भी नहीं लगी है इसलिए तो असं जिक्र करने कि भाई उन्हें यह नहीं कहना कि फिर एक ही शेर पढ़ी आंदे एक ही पढ़ी जाने उन्हें कहना वेखो तो सही नबी की आल का जिक्र कर कौन रहा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उलवरा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बरा उलवरा है इसमें हसनैन और फातिमा है इस घराने में मुश्किल कुशा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हजूर दे दीवानियों अगर नबी दी आल दा जिक्र नबी पाक दा जिक्र सारी जिंदगी भी करते रहिए ना तो जिंदगी खत्म हो जानी है पाकां दा जिक्र खत्म नहीं होना आखिरी